14 तारीख कलाहांडी जिला केसिंगा रे भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी केसिंगा रेल स्टेशन ने पुरी अहमदा द्रुतगामी ट्रेन ने सकाळ 5 घंटा रे पहुंचीथिले। तांको केसिंगा बीजेपी दल पक्षरु स्वागत करा जाईथिला। सहरर एक बस स्टैंड निकट रे थिबा एक चा दुकान रे कर्मी मानंक सहित चा पीथिले सांसद। एनएसी रो गेस्ट हाउस रे रेस्ट करथिले। सकाळ 9 घंटा समय रे एनएसी रु विराट शोभायात्रा रे पदयात्रा करथिले। रास्तार उभय पार्श्वरे थिबा गरीब लोकंकु साक्षात करी सुख दुख पचारिथिले। चा दुकान ट्रैक्टर ड्राइवर को भेटी केमिति अछ पचारिथिले एवं सेमानंक समस्या विषय रे अवगत करथिले। केसिंगा स्थित तेरापंथ भवन को जाइथिले। सेठारे थिबा जैन धर्मगुरु महान तपस्वी शांतिदूत आचार्य जिनेश कुमार को दर्शन करथिले। एक बुद्धिजीवी सभारे मुख्य अतिथि भाबरे अपराजिता षडंगी जोग देथिले। मो अत्यंत आनंदित एठी आसिकी आ सकाळे आज 4:30 रे केसिंगा रेलवे स्टेशन पहुँचली। बहुत संख्या रे पुरुष लोक माने थिले, महिला माने थिले, मु अभिभूत कहिबी जदि अत्युक्ति हबो नाही। एते स्नेह एते सम्मान मु कलाहांडी जिल्ला रे केबे भी चाकरी भी करी नाही। 24 वर्ष अन्य जगार थिली किंतु एठी चाकरी करिवार केबे भी सुजोग पाई पारलोतिली। किंतु मोर बहुत इच्छा थिला 24 वर्ष रो भारतीय प्रशासनिक सेवा समय रे जे कलाहांडी रे लोक मानकर सेवा करी थांती, सुजोग पाइली नाही। वर्तमान एठिकार जैन समाज तरफ रु निमंत्रण मिलिथिला आओ सेमाने जाइथिले भुवनेश्वर डाकी छंती एठी आसीची। तापरे नरला विकास मंच तरफ रु डका जाइची, नरला भी जाउची मु। आओ आजि सखाळु 3 घंटा हेलानी केसिंगा रे अछि। वर्तमान पदयात्रा हेला, बहुत लोकों को संग्रे देखा हेला, हजार हजार लोकों को संग्रे देखा हेला। बहुत मु आनंदित, बहुत दुकानी मानन को संग्रे मु कथावार्ता कली। विभिन्न वर्गर लोक थिले, महिला माने अछंती बहुत, सेमान को संग्रे कथावार्ता कली। मजूर माने थिले जो माने जाऊ थिले वर्तमान काम मांगु छंती, से माने गोटी छक्कर टिया थिले तांको संग्रे कथावार्ता कली। गुडे एक जिनसो हमको आगामी दिन रे परिवार अछि देखंतु। वर्तमान किछि कहिबा उचित हबो नै, दिन सारा समस्त संगे आलोचना करबी, समस्त कथा शुणबी, तापरे कौन करा जाई पारिबो, कौन करा जिबा कथा राज्य सरकार तरफ रु किंबा आम समस्त तरफ रु जो माने आम माने जन प्रतिनिधि आम मान तरफ रु मु निश्चित भाव रे संध्या रे गला बड़ को आपन मान को कहि कलाहांडी रे गोटे जेतेबे ममिता घटना उठुति पड़छि कोन कहबे ममिता घटना देखंतु। ए विषय रे भारतीय जनता पार्टी रो आभिमुख्य स्पष्ट अछि। आमे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रो तदंत चाहूछु आउ बारंबार ए कथा आमे कहिबु। राज्य सरकार केही नुहंती, आपनो केही नुहंती किंबा मु केही नुहे कहिबा पाई जे दिव्यशंकर जी निर्दोष अछंती। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जदि निरपेक्ष भावरे तदंत जदि करिथांता ताले निश्चित भावरे सबु जिनस पदा को आसीथांता। ओडिशार लोक माने एते मूर्ख नुहंती, ओडिशा लोक माने चाहूछंती न्याय मिलु, ममिता को न्याय मिलु, ममिता रो परिवार को न्याय मिलु। और ममिता परिवार को कहिकी किछिटा कहिकी चुप करै देबा बहुत सहज अछि, राज्य सरकार सहज अछि चुप करै पारिबे। किंतु बंधुगण वर्तमान कथा उठुछि जे ओडिशा राज्य रे महिला मानंकर सुरक्षा और मर्यादा आम मैंने समस्ते जाणीचु। जदि एनसीआरबी रो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 रिपोर्ट पढ़ू आम जापरबू तंकर अवस्था कौन अच्छी। सर्वभारतीय स्तर रे ओडिशा राज्य रे जो प्रकार महिला मानको प्रति अपराध